बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस आज, पार्टी मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन, पीएम भी रहेंगे मौजूद। सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी मनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा, 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कार्यक्रम। बीजेपी स्थापना दिवस पर लखनऊ में सीएम ने फहराया झंडा, पार्टी मुख्यालय पर तमाम नेताओं के साथ जेपी नड्डा मौजूद। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी ने जारी किया वीडियो। वाहन ईंधन पर महंगाई का ट्रिपल अटैक, आज पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम में इजाफे का तड़का। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा, दिल्ली में 105 रुपए 41 पैसे का मिल रहा है 1 लीटर पेट्रोल, डीजल 96 रुपए 67 पैसे। 16 दिन में 14 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम में 2 रुपए 50 पैसे का इजाफा, अब 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो मिलेगी सीएनजी। सिर्फ 5 दिन में 6 रुपए 60 पैसे महंगी हुई सीएनजी, नोएडा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 70 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंची कीमत। गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के घर देर रात छापेमारी, एयरगन बरामद, निशानेबाजी सीख रहा था मुर्तजा। मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में छूटे अफसरों के पसीने, खुद को मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश कर रहा है मुर्तजा। मुर्तजा के लैपटॉप मिले सीरिया और आईएसआई से संबंधित अटैक के वीडियोस, इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर करता था इस्लाम से जुड़े सवाल जवाब। रात भर की पूछताछ में सामने आया मुर्तजा अब्बासी के गुरु का नाम, अमेरिकी इमाम अनवर अल हालाकी को बनाया था गुरु। अहमद मुर्तजा अब्बासी से अब लखनऊ में आगे होगी पूछताछ, सुबह 5 बजे मुर्तजा को लेकर यूपीएटीएस की टीम रवाना। मुर्तजा अहमद के घर से एक शख्स हिरासत में, हमलावर के कमरे को एसटीएफ ने खंगाला। नवी मुंबई पहुंची यूपीएटीएस की टीम, हमला करने वाले आरोपी अहमद की जानकारी जुटाई गई। आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल से मिले हैं विवादित जाकिर नायक के वीडियो, पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी जानकारी जब्त। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिल्डर संजय बियाणी की हत्या, घर के बाहर मारी गई गोली, फिरौती मानी जा रही है संजय बियाणी की हत्या की वजह। सीसीटीवी में कैद हुई नांदेड़ के कारोबारी की हत्या की वारदात, सीसीटीवी फुटेज से हत्यारे की तलाश। यूपी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर सीएम योगी का एक्शन प्लान, मंत्री को देना होगा अपने विभाग का प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री का आदेश, आवारा पशुओं की समस्या से जल्द मिलेगा निजात। शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या मामले में परिजन मायूस, भाई बोले यहाँ कोई नहीं चाहता कि हिंदू कश्मीर में रहे। हिंदू नहीं चाहे यहाँ, इनको चाहे यहाँ, कोई किसी को कोई नहीं चाहे, कोई इंसान नहीं चाहे, कोई हिंदू नहीं चाहे यहाँ, इनको चाहे खाली जमीन। सोमवार को शोपिया में आतंकियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बालकृष्ण भट्ट उर्फ सोनू, अस्पताल में इलाज के दौरान नहीं बच सकी जान। महाराष्ट्र में शरद पवार के घर कई पार्टियों के विधायक पहुंचे, डिनर में नितिन गडकरी हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, सत्येन जैन के परिवार के कुछ लोग ऐसे फर्म से जुड़े जो जांच के दायरे में। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन जैन पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 4,81,00,000 की संपत्ति जब्त। 6 अप्रैल के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मंडी में करेंगे तिरंगा यात्रा। केजरीवाल के घर तोड़फोड़ मामले में 8 आरोपियों को जमानत देने से इनकार, निचली अदालत ने कहा सभी जानबूझकर पुलिस को चोट पहुंचाने के जिम्मेदार। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने नवरात्रि में पूरे देश मीट दुकानें बंद करने की मांग की, कहा नवरात्र में मीट की दुकानें न खोली जाएं। सूरत में चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मेलन में उमड़ी भीड़। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी की संजय राउत के करीबियों पर कार्रवाई, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत ने किया ट्वीट, लिखा असत्यमेव जयते। ईडी की कार्रवाई के बाद संजय राउत का बीजेपी पर वार, किरीट सोमैया सिंह ने पूछा क्या प्रवीण के बिजनेस पार्टनर थे संजय राउत। 2 अप्रैल को करौली में हिंसा की नई तस्वीर आई सामने, पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चलाते दिखे आरोपी। करौली दंगा मामले में एफआईआर में पुलिस ने आरएसएस की बाइक रैली पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश, चमकर हुआ था पत्ता। हिंसा में आगजनी से तबाह हुई दुकानों को किया गया ध्वस्त, नगर निगम के दस्ते ने की कार्रवाई। मथुरा में अवैध रूप से विकसित किए जा रहे कॉलोनियों पर चलाया जा रहा बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियां टारगेट। बिहार के नवादा में बैंक पहुंचे ग्राहक की पुलिस वालों ने की पिटाई, बैंक मैनेजर बोले गलतफहमी में हुई घटना। रायपुर हाईकोर्ट मिली जमानत के बाद कालीचरण महाराज की रिहाई, पहुंचे इंदौर, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। रामपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हिस्ट्री शूटर जख्मी, तमंचा और कारतूस जब्त। ऊना में सरकारी स्कूल टीचर की 15 साल की बेटी की हत्या, कार्य के अब तक नहीं मिले कोई सुराग। प्रयागराज में आधार कार्ड से फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार। हरदोई में 15 किलो चांदी की ज्वेलरी की लूट, बाइक से आए बदमाशों का कोई सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला डिप्टी रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार, आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई। रजौरी में मुस्लिम टीचर पर छात्रा की पिटाई का इल्जाम, तिलक लगाने से हुए नाराज। बाराबंकी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के लोगों को
अकाउंट से 7 लाख उड़ाए गए, अब तक 5 लाख रुपयों की रिकवरी। सतना में शराब माफिया के भाई के अवैध आशियाने को चला बुलडोजर, आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले। पुणे में लुटेरों के गिरोह पर शिकंजा, महिला से गहने लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। उन्नाव में भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन, मुनादी का प्रशासन ने माफिया के बंगले को किया कुर्क। लखनऊ में सफाई कर्मचारियों का नगर विकास मंत्री एके शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन, सुबह 5 बजे से काम करने आने के फरमान के खिलाफ हल्ला बोल। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक्शन के दौरान बुलडोजर के नीचे ले लिया बुजुर्ग, ठेला नहीं तोड़ने की करता रहा मिन्नत। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण, प्राधिकरण ने बड़े हिस्से को कब्जे से छुड़ाया। लखीमपुर खीरी में थाने के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, कोतवाल पर बदसलूकी और गाली गलौज का आरोप। हरियाणा के सीएम खट्टर का फैसला, अब अपनी 4 गाड़ियों के 0001 नंबर आम जनता के लिए छोड़े। रोहतास में गेहूं की फसल में जबरदस्त आग, 1000 बीघा एरिया में तबाही। रोहतक में 117 दिन से चला रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन खत्म, हरियाणा सरकार ने 19 दिन में 16 मांगे मानी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम का दिल्ली में सम्मान, केंद्रीय मंत्री गडकरी समेत कई मंत्री हुए शामिल। आज कन्नौज दौरे पर जाएंगे अखिलेश, हाल के विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कर सकते हैं समीक्षा बैठक। ग्रेटर नोएडा में कृषि भूमि खरीदने की दर बढ़ाई गई, अब न्यूनतम दर प्रति वर्ग मीटर 3,500 से बढ़ाकर 3,750 रुपये। जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, बस में करंट फैलने से 3 की मौत। बाराबंकी एम्बुलेंस कार में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, गैंगस्टर एक्ट में फरार 2 गुर्गों पर 25,000 का इनाम घोषित। झालावाड़ में 2 किलो ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार, पल्सर बाइक जब्त। सागर में ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, आरक्षक ने उसे खींचकर बचाई जान। पीलीभीत में प्रशासन ने 70 लाख की सरकारी जमीन पर चलाया बुलडोजर, अवैध कब्जे से छुड़ाया। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल, जेसीबी के सामने बैठे लोग, विधायक समेत देश को पुलिस ने किया नजरबंद। झांसी में बाइक चोर गिरफ्तार, आरोपी ने चोरी की 5 बाइक और चाबियां बरामद की। भीलवाड़ा में बस और ट्रक चालक के बीच साइड को लेकर मारपीट, नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले किया। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री अली साबरी ने दिया इस्तीफा, 1 दिन पहले किए गए थे नियुक्त। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, इराक समेत कई देशों में अपने दूतावास अस्थायी तौर पर बंद किए। केंद्र सरकार ने 22 यूट्यूब चैनल को किया ब्लॉक, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप, 22 में से 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के।